आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विद एडिनियम में। आज की वीडियो का टॉपिक है बारिश में एडिनियम की ग्रोथ कितनी तेज होती है और बारिश के क्या क्या फायदे होते हैं, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सभी लोग कहते हैं कि बारिश में एडिनियम खराब हो जाते हैं तो इसे शेड वाली जगह पर रख लेना चाहिए, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बारिश के क्या क्या फायदे होते हैं और हमारे जो प्लांट हैं वो कितनी तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो यदि आपको वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे आप ये जो प्लांट्स देख रहे हैं ये बहुत पुराने प्लांट नहीं है, ये सभी प्लांट करीब करीब 2 साल पुराने हैं और ये 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। पॉट भी बड़ा है लेकिन आप प्लांट के जो ग्रोथ देखिए और प्लांट का साइज देखिए, ये देखिए प्लांट जितना ऊपर है उतना ही प्लांट के सॉइल के अंदर इसका कॉर्टेक्स है, तो देख रहे हैं आप। और ये प्लांट जो दिख रहा है ये देखिए, प्लांट को ये सीधा लगा था पर इसकी रूट ने इतनी अच्छी ग्रोथ करी है कि आप देखिए रूट कितनी हेल्थी है और प्लांट पूरा टेढ़ा हो गया है, झुक गया है प्लांट। ये देखिए आप, सभी प्लांट देखिए आप, ये सभी प्लांट 8 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं, इसलिए जो कॉर्टेक्स का साइज है वो पॉट के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन जो इसके कॉर्टेक्स हैं वो जितने ऊपर हमें हेल्दी दिख रहे हैं, मोटे मोटे दिख रहे हैं, उतने ही सॉइल में भी फैले हुए हैं। जब मैं इसे रिपोर्ट करूंगा तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और ये कुछ ही प्लांट नहीं है, ये सभी प्लांट, ये देखिए इसकी भी रूट इतनी अच्छी ग्रोथ करी है। ये देखिए रूट, देखिए किस तरह से रूट बाहर निकल गई है पूरी। ये प्लांट इतने हेल्दी क्यों है, ये सब देखिए, इस प्लांट को भी देखिए कितने खूबसूरत कॉर्टेक्स हैं। आप ये सब बारिश का ही असर है। तो देखिए ऊपर से भी कितने हेल्दी और कितने खूबसूरत लग रहे हैं सभी प्लांट। आप इन प्लांटों को देखेंगे, इनकी ब्रांचेस कितनी हेल्दी हैं और कितनी सारी ब्रांचेस हैं और सभी प्लांट के कॉर्टेक्स बिल्कुल देखते ही बनते हैं और ये सब बारिश का ही असर है। बारिश में हमारे कुछ प्लांट खराब जरूर होते हैं, देखिए इसका कॉर्टेक्स भी देखिए आप। यदि मैं इसको सॉइल से बाहर निकालता हूं, यदि ये इस समय बारिश नहीं होती तो मैं आपको इनके कॉर्टेक्स जरूर बाहर निकाल के दिखाता है, एक आध दो प्लांट के। ये कितना खूबसूरत प्लांट है, इनकी रूट की ग्रोथ इतनी तेज हुई है कि प्लांट ही देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। आप ये प्लांट, इसमें मैंने पॉट जरूर 8 इंच के पॉट लिया है पर देखिए इसमें सॉइल मैंने सिर्फ हाफ पॉट ही भरा है इसमें, और उसमें भी पॉट के जो नीचे है उसमें मैंने किसी में पत्थर, किसी में थर्माकोल के पीसेस, किसी में पुराने गमले के टुकड़े, एक लेयर मैंने उसकी लगाई है और उसके बाद मैंने सॉइल फिल करी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सॉइल नहीं है
एक तो प्लांट के ग्रोथ का कारण हमारा जो सॉइल मिक्सचर है वो भी होता है। जब मैंने इन सभी प्लांट को रिपोर्ट करा था मार्च में, जब मैंने आपको इनका सॉइल मिक्सचर भी कैसे बनाया था वो भी बताया था, तो उसी हिसाब से यदि हम अपने प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो हमारे प्लांट इसी तरह से ग्रोथ करते हैं। और देखिए, हमें बारिश के टाइम पे एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें डेली, देखिए कितना शानदार कॉडेक्स है इसका, और ये कहीं से लगते हैं कि ये 2 साल के प्लांट हैं जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन प्लांट को देखा होगा कि ये कितने छोटे प्लांट थे। देखिए कितने खूबसूरत प्लांट हैं। हाँ, मैं अभी कुछ बता रहा था आपको कि बारिश के टाइम पे हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि करीब हमें डेली ही अपने प्लांट को, सभी प्लांट को एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें प्लांट को कि कहीं उनकी कोई लीव्स येलो तो नहीं हो रही है। देखिए जैसे इस प्लांट को, इसकी देखिए एक ब्रांच भी थोड़ी सी रॉट हुई है, देखिए थोड़ी सी नीचे से कॉडेक्स भी इसका, ये देखिए हमें कोई भी प्लांट जब खराब होता है तो उसकी लीव्स वगैरह येलो होने लगती है, कुछ ना कुछ ज्यादातर प्लांट में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऊपर दिख ही जाती है। यदि हम उसको इग्नोर करते हैं तो हमारा पूरा प्लांट ही खराब हो जाता है, इसलिए हमें अपने प्लांट को डेली ही प्लांट को चेक करना चाहिए। तो देखिए ये कुछ प्लांट हैं, ये सिर्फ 4.5 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि अपने कॉडेक्स हेल्दी और सुंदर कैसे बनाएं। ये देखिए कुछ प्लांट, ये भी मैंने सब मार्च में ही रिपोर्ट करे हैं प्लांट, जब उनकी रूट इतनी, देखिए आप ये सिर्फ 4.5 इंच के पॉट में प्लांट लगे हुए हैं। ये देखिए आप इनके भी कॉडेक्स देखिए, और जब मैं इन्हें अगले साल रिपोर्ट करूंगा इन्हें भी मैं 7-8 इंच के पॉट में रिपोर्ट करूंगा। ये देखिए ये सब मैंने इसकी, देखिए नीचे पॉट लगा हुआ है, इसमें एक छोटा 3 इंच का पॉट लगा हुआ है इसके अंदर, देखिए आप हमें अपने जो प्लांट की रूट है उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि एडिनियम की खूबसूरती जितनी फ्लावर में है इसका कॉडेक्स देखिए आप, देखिए आप पॉट मेरे हाथ में है, ये सिर्फ 4.5 इंच का पॉट है, देखिए कितना छोटा पॉट है, वो प्लांट देखिए आप एडिन, जैसे मैं बता रहा था आपको अभी एडिनियम की खूबसूरती फूलों से ज्यादा एडिनियम के कॉडेक्स में है। और जो महंगे महंगे एडिनियम बिकते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी आपने देखे होंगे, तो उनकी जो कीमत रहती है वो कॉडेक्स के कारण ही रहती है। देखिए आप इन सभी प्लांटों का कॉडेक्स देखिए आप, है ना खूबसूरत। हमें अपने एडिनियम के जो कॉडेक्स हैं, देखिए इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे नीचे एक पॉट लगा हुआ है छोटा सा, कैसे हमें अपने प्लांट को खूबसूरत बनाना है। देखिए इसकी रूट आप, और ये सब मार्च के ही रिपोर्ट करे हुए प्लांट है, कैसे हमें खूबसूरत बनाना है इनकी रूट, इस पे मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमें कैसे प्लांट सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे उन्हें रूट को
इतने खूबसूरत बना सकते हैं। ऊपर से भी देखिए इन प्लांट को आप, कितने खूबसूरत हैं। जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो जब ही हमें अपने प्लांट सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि किस प्लांट को हमें किस लिए ग्रो कर रहे हैं, किसकी रूट कैसी है। क्योंकि जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो जब ही हमें इनकी रूट किस तरह से डेवलप करवानी है, किस तरह से, देखिए आप ये प्लांट तो देखिए आप, पॉट ही इसका, बिल्कुल पॉट का शेप ही चेंज हो गया है। देखिए आप, देखिए देख रहे हैं पॉट का शेप। तो नीचे से भी ये प्लांट उतनी ही तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो जब हम प्लांट को निकालते हैं तो जब भी हमको अपने जिनकी रूट थोड़ी डिफरेंट है तो उन प्लांट्स को हमें सिलेक्ट करके अलग ही कर लेना चाहिए। जैसे आप इस प्लांट को देख रहे हैं, देखिए इसकी रूट भी चारों तरफ से बिल्कुल, इसमें नीचे एक प्लेट लगी हुई है। कुछ प्लांट हमारे नीचे से रूट खराब हो जाती हैं, देखिए इसमें भी नीचे एक प्लेट लगी हुई है। और ये प्लांट तो मेरा नीचे से पूरा खराब ही हो गया था। तो इसी तरह से आप भी अपने प्लांट्स ग्रो करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।